नमस्कार, मैं हूं जो भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनाली फोगाट के पुराने घर पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और वतन डाका जो सोनाली फोगाट के भाई है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। अगर सरकार परिसर बनाए तो जल्दी भी आ सकती है रिपोर्ट। तो घर पर क्या जाँच की है? बस उनके रूम चेक करें, नीचे का ऑफिस ऊपर उनका रूम है। कुछ भी बरामद नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मिला ही नहीं जी, ऐसा ही नहीं कुछ। आज भी कोई बयान वगैरह नहीं? हमारे कोई बयान नहीं, बस उन्होंने ये पूछा भी है उनका ये कौन सा रूम है, ये बेडरूम ऑफिस है, वही पूछा। प्रॉपर्टी को लेकर बात आ रही थी कि सुधीर सांगवान जो है प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहा था, उसमें क्या कहना? वो देखो जी, हमारे वकील से एक डॉक्यूमेंट्स मिला, वो उनको हमने उनको फोटो कॉपी दे दी इनको गोवा पुलिस को। उससे लगता है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ गड़बड़ तो करना चाह रहा था, को लीज पर लेना भी चाहता था। हाँ हाँ, वही कागज है, वो हमने दे दी इनको फोटोकॉपी, वही जांच करेगी। वही है खेती बाड़ी वाली, 6-7 एकड़ जमीन है, सुना लीजिए एक वही जमीन है, और तो है ही नहीं। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन ऐसा अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? कल धनखड़ जी आए थे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा भी हम बात करेंगे सीएम साहब से दोबारा, वहाँ के गोवा के सीएम से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे। अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया, वो कहे हाँ भी जाँच होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। वो ये कह गए थे भी आपका सब हम आपके साथ हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो रहे जी, जब भी कह रहे हैं बार बार। तो सब ठीक है, अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर ही जांच चल रही है और आपकी फैमिली की तरफ से अब तो राजनीतिक हत्या के भी आरोप लगने लगे हैं। देखो ये आए हैं घर चेक करें, इनको यहाँ से कुछ मिला नहीं है और कल जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम इनको दे दिए जो भी हमारे पास थे। तो जिस तरह से अमन पुनिया जी ने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक हत्या हो सकती है, तो उस एंगल से भी वो तो देखो ऐसे है, जब भी तो हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं बार बार किस वजह से उनकी हत्या हुई है और क्यों करी गई, तो वो तो वही पूछे उनसे गोवा पुलिस, अच्छे से पूछेगी तो बता पाएगी। क्या आप मुलाकात दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री से करेंगे? हाँ मिलेंगे, सीएम साहब से मिलना ही पड़ेगा दोबारा, क्योंकि गोवा के जो सीएम हैं वो तो ये कह रहे हैं कि गोवा पुलिस पर पूरा भरोसा है। हाँ वो तो कह रहे हैं लेकिन हमें तो सीबीआई की जांच अंदर से कुछ मिला अभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। आप लोग सेटिस्फाई हैं अंदर जो पड़ताल की गई? बस वो अपना काम कर रहे हैं जी, क्या बताएं, हमें तो कुछ आपको बताया कुछ मिला अंदर से? नहीं कुछ मिला ही नहीं उनको। अमन जी आपने एक चोरी की कंप्लेंट दी थी, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ वो सामान मिल गया हमें और उसको जांच के लिए भेज दिया जो सामान। ठीक, जो सीएम पुलिस ने हिरासत में लिया था उसका क्या असर? वो तो पुलिस वालों को पता भाई साहब क्या कर रहे हैं उनके साथ। ठीक, तो सामान था मिल गया? हाँ सामान मिल गया, जांच के लिए भेज दिया। तो भाई इस वक्त हमारे साथ है, एक मिनट, अच्छा तो इस वक्त है सोनाली फोगाट के जो भाई हैं वतन डाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और लगातार परिवार कह रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। लगातार परिवार एक ही मांग कर रहा है कि इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर के परिवार कहीं ना कहीं संतुष्ट होगा। न्याय को लेकर के हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोम प्रकाश धनखड़ भी कल पहुँचे थे और उनका भी यही कहना था, परिवार से सांत्वना दे रहे थे कि लगातार कि सीबीआई जांच के लिए हरियाणा सरकार से कहेंगे और गोवा सरकार से बातचीत करके सीबीआई के लिए हमें जरूर कहेंगे। लेकिन परिवार अभी तक कह रहा है केवल सांत्वना ही इनको दी जा रही, किसी भी प्रकार के अभी तक आगे की जो कार्रवाई है सीबीआई जांच को लेकर के वो नहीं हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा कि सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले को लेकर के कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं कि राजनीतिक हत्या बता रहे हैं, कई लोग प्रॉपर्टी को लेकर के इस कि सोनाली फोगाट की हत्या बताई जा रही है। आपको आपके क्या कुछ कहना, आप अपनी राय रखिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंदर के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।